हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। वीलुकअप की सीरीज में हमारी छठी वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे एच लुकअप की। जी हाँ, लुकअप एंड वीलुकअप की सीरीज हमारी है, जिसमें हम बात करेंगे एच लुकअप की, और छठी वीडियो। अभी तक आपकी वीडियोज नहीं मिली है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पेज पे जाए, वहां पे वीडियोज मिल सकते हैं। हालांकि सारे वीडियोस को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सिक्वेंसली, लेकिन आप सिक्वेंसली वीडियोस विद प्रैक्टिस फाइल के साथ चाहते हैं तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल ऐप लिंक मिलेगा, एंड्रॉयड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, जहां से आप हमारी सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। वी लुकअप की कोर्सेज भी वहीं पे आपको मिलेगी, विद सैंपल फाइल, वीडियोज एंड टेलीफोन सपोर्ट। पिछले वीडियोज में हमने बात की थी वी लुकअप विथ मैश। अभी तक हम वी लुकअप को अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलिए वी लुकअप एक कुछ और अल्टरनेटिव है उसके बारे में जानते हैं। जैसे डेटा अगर आपके पास वर्टिकल हो तो वी लुकअप लगाया जा सकता है, लेकिन अगर डेटा हॉरिजॉन्टल आ गया कुछ इस तरह से जो आपके सामने दिख रहा है, अगर डेटा हॉरिजॉन्टल आ गया तो क्या करेंगे उस केस में? डेटा अगर हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में यहां हम यूज करेंगे एच लुकअप। किसको यूज करेंगे? एच लुकअप। तो आपके सामने यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि मेरा जो नंबर है 105 ID, वो इस तरह से अलग अलग कॉलम्स में है। मान लीजिए मुझे इस आईडी अगेंस्ट में ऑर्डर वैल्यू, कस्टमर एंड जोन चाहिए, तो वी लुकअप तो देगा नहीं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एच लुकअप को। एच लुकअप फॉर्मूला क्या करता है, चलिए हम आपको बताते हैं। एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला एच लुकअप। एच लुकअप बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम करता है, बस इसका एंगल चेंज है। इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है जैसा वी लुकअप का। जैसे लुकअप वैल्यू में आपने सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू एंड हमने सिलेक्ट किया टेबल। अब वी लुकअप में इस तरह से हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इस तरह से रो सिलेक्ट करना हो, क्या सिलेक्ट करना होगा? रो सिलेक्ट करना हो, देन कॉमा। वी लुकअप में हम कॉलम काउंट कर देते 1 2 3, यहाँ पे रो काउंट करना। ऑर्डर वैल्यू कहाँ पे है? 1 2 3, तीसरे नंबर रो पे, एंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। एक बार और बताता हूँ, मैं लगा लूंगा फॉर्मूला एच लुकअप। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू किसको लुकअप करना है? तो मुझे लुकअप करना है किसको? 105 को, देन कॉमा टेबल एरे किसके अंदर? हमने बोला यहाँ पे, तो हम डेटा को इस तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे सिलेक्ट इस तरह से। यहाँ भी देखिए आपको 3R दिख रहा है, तो हमारा कस्टमर किस पे? 6R पे है, कॉमा 6 करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्टली। और जैसे वी लुकअप पे हमने कॉलम फॉर्मूला लगाया था, ऐसे अगर आपका डेटा स्टार्टिंग से है तो आप क्या लगा सकते हैं? रो फॉर्म, कॉमा रो, रो के अंदर हम जोन को सिलेक्ट कर रहे हैं, देन कॉमा जी। अगर आपको ऑटोमेट अच्छा, मैंने वी लुकअप लगा दिया या एच लुकअप, उसी तरह से मान लीजिए ऑटोमेट चाहिए, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मैच है वो इस तरह से, वो इस तरह से टॉप टू बॉटम भी चलता है और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट भी चलता है। तो यहाँ मेरा टॉप टू बॉटम चलाना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो मैनुअली हमने यहाँ पे 3 4 5 लिखा है वो अपने आप आ जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? मैच का। मैच में हमने ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके हमने अपना हेडिंग सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा देन 0, तो इसने दे दिया 3। अब मैं यहाँ एच लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका लगाऊंगा? एच लुकअप का। और इस एच लुकअप में मैं सिलेक्ट करूंगा किसको? और यहाँ पे 105 को, और यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा यहाँ पे देंगे कौन सा? 3 एंड कॉमा 0। अब जो 3 है ना हमारा, इस 3 को मैं यहां से कॉपी करूंगा,
और यहाँ से स्केप मारूंगा और यहाँ जहाँ हमने मैनुअल रखा है 3 यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंटर प्रेस किया, देखिए आपके सामने तो एच लुकअप फॉर्मूला क्या करता है, होरिजेंटल लुकअप करता है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने यहाँ पे इसकी क्रिटिकल पार्ट मेंशन कर दिया, आप कर लीजिएगा। बट एच लुकअप फॉर्मूला बहुत ही कम जगहों पे यूज होता है क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि हमारा डेटा इस तरह से होरिजेंटल आए। तो प्रैक्टिस इट कीजिए डाउनलोड और इसकी ट्राई करके देखिए, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए। और साथ में जो YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, फटाफट ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।